जंगल। है कि जब अयोध्या में भीड़ बढ़ेगी, जब लाखों की भीड़ यहाँ पहुँच जाएगी, तो पब्लिक जो है नेताओं के कंट्रोल में नहीं रहती, इसलिए मुसलमान दहशत में है। हम तो ये कहते हैं कि मुसलमानों के महल्ले में सुरक्षा बढ़ाई जाए, और हिंदू मुसलमानों की बात करते हैं, दोनों की हम बात करते हैं। जब बाहर के लोग आते हैं तो किसी को पहचानते नहीं, इसलिए 92 की घटना यहाँ दोहराई गई थी। लोग कहते हैं कि 92 की घटना दोहराई जाएगी, इसलिए लोग दहशत में हैं। अगर सुरक्षा मुसलमानों की, हिंदुओं की जो है मोहल्ले में नहीं बढ़ाई गई, तो मुसलमान यहाँ, तो मुसलमान तो पहले यहाँ प्लान करेगा, उसके साथ मिसेज हम भी करने वाले हैं। साफ कह दिया, अगर मुसलमानों के महल्ला में सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई, तो हम भी प्लान कर जाएंगे। जी, हम राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए आए हैं और राम मंदिर निर्माण कार्य करेंगे, सभी लोग सभी कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पर। और उनको अगर यहाँ से देश छोड़ के जाना है, अयोध्या छोड़ के जाना है, तो वो जा सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान चले जाएं, चाहे बांग्लादेश चले जाएं। हिंदू यानी भारत द्वारा 50 गाड़ी ईंटों, राम नाम के ईंटों को मंगवाया गया है राम मंदिर निर्माण के लिए। अगर मौलाना साहब को लगता है कि उनको खतरा है, उनके समुदाय को खतरा है और देश छोड़ के जाना चाहते हैं, तो उनका हार्दिक स्वागत है। राम मंदिर तो बनेगा, वहीं बनेगा। इसके लिए चाहे हमें अपना बलिदान भी क्यों ना देना पड़े, दोबारा वही इतिहास तो दोहराया जाएगा, लेकिन राम मंदिर का निर्माण